वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जीवन अनेक चरित्र एक साथ निभाने का नाम है। मनुष्य घर में पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। घर के बाहर सामाजिक संबंध उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इन संबंधों से जन्म लेती आकांक्षाएं उसे दिन रात व्यस्त रखती हैं। मनुष्य के जीवन का एक बड़ा भाग उससे की जाने वाली आकांक्षाओं की पूर्ति में ही व्यय हो जाता है। उसे लगता है कि यही उसका जीवन है। संबंधों का मोह उसे भ्रम के संसार में ले जाता है। वह दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदा यत्नशील रहता है। उसे अपने तन के भीतर का स्व दिखाई ही नहीं देता। वह अपने संबंधों के पोषण के लिए अनेक पाप भी करता है। उसका सुख तो अन्य भोगते हैं, किंतु पाप का दंड उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। समाज ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनुष्य की इस प्रवृत्ति को गृहस्थ सामाजिक जैसे भारी शब्दों से महिमामंडित तो कर दिया है, किंतु उसके स्वतत्व की उपेक्षा की कभी चिंता नहीं की है। वास्तव में जीवन एक कठिन साधना है। जीवन में संबंधों के प्रति भी संवेदनशील रहना आवश्यक है और आत्मिक उन्नयन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य जब तक अपने आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है, तभी तक वह जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने योग्य है। वह अपने अंतर के प्रति निष्ठावान होगा तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। मनुष्य जितना श्रम जीवन यापन के लिए करता है, उससे अधिक यत्न उसे अंतर शुद्धि के लिए करना चाहिए। अंतर निर्मल होगा तभी उसमें गुण समा सकेंगे। जब संयम, संतोष, सहज, दया, प्रेम जैसे गुण मन में स्थान बनाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुण स्वयं मैदान छोड़ जाते हैं। मनुष्य के जितने कर्तव्य अपने परिवार, समाज के प्रति हैं, उतने ही स्वयं के प्रति भी हैं। इनके समन्वय से आगे बढ़ना ही जीवन है। जब परमात्मा कृपा करता है तो यह कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। स्टॉप।